हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैगेटॉन के बारे में, किस तरह रैगेटॉन बीट बनती है। और मैं सिंपल आपके बॉलीवुड वाली वाइब बताऊंगा, जैसे कि किंग के गाने आपने बहुत सारे सुने होंगे, तू आके देख ले, तू मान मेरी जान, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रखा सॉन्ग। तो उसकी तरह सिंपल सी रैगेटॉन बीट किस तरह बना सकते हो। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूँ, स्पीड टेम्पो कितना होना चाहिए। रैगेटॉन का जो टेम्पो होता है 90 से 110, 105, 8 इतना ही होता है। सेम उस तरह जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एफ्रो बीट किस तरह बनती है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। तो टेम्पो की बात करी हमने, तो सबसे पहले टेम्पो रखेंगे जो अपना किंग का सॉन्ग है, मैक्सिमम जो रैगेटॉन का टेम्पो, जो मतलब ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, ठीक है 96 रखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ कॉर्ड से शुरू करेंगे। पहली आता है टेम्पो, फिर आता है स्केल। चलो फिर पहले पियानो मैंने ले रखा है यहाँ पर, बेसिक FL की स्टॉक प्लगइन से सिखाऊंगा। पियानो रोल पे गए तो यहाँ चूज़ करेंगे हम स्केल। स्केल की बात थी, यहाँ जाएंगे और यहाँ चूज़ करेंगे व्यू में जाके स्केल हाईलाइटिंग, और यहाँ चूज़ करेंगे चलो ए मेजर। ठीक है, तो ए मेजर हमने स्केल चूज़ कर ली। अब हम बनाएंगे कॉर्ड। कॉर्ड का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने किस तरह होता है। ए पे रखेंगे पहला नोट, ठीक है, साथ में मेट्रोनोम ऑन करेंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया था, आप पहले बेस नोट बिल्ड कर सकते हो, बेस नोट, उसके बाद आपकी जो कॉर्ड है वो इजीली बन जाएगी। ठीक है, बेस नोट जैसे आप हमिंग करके, अगर आपके पास वोकल है तो हम करोगे आप इस तरह से, वरना आप किसी भी तरह से अपनी कॉर्ड्स को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, एक स्किप करके नेक्स्ट पे, एक स्किप करके नेक्स्ट पे। ठीक है, पहली कॉर्ड ढूंढ ली, मिल गई आपको सेकंड कॉर्ड हमिंग करके। ठीक है, तो इस तरह से पहली कॉर्ड, फिर दूसरी है, दूसरी कॉर्ड आप ऊपर के लिए, नीचे के लिए कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, तरह से बेसिक कॉर्ड, ऊपर को, ठीक है, ये वाली कॉर्ड। तो मैंने, जिसने मेरा जो म्यूजिक थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा, उस पर भी मैंने तीन चार लेक्चर बना रखे, एक प्लेलिस्ट बना रखी, वो जाके आप देख लो, सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। ठीक है, वापस ए पे ड्रॉप। ठीक है, सिंपल सी कॉर्ड बना ली हमने। तो आपको टॉनिक नोट इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे ये ई है तो इसका टॉनिक नोट है ये, तो इसको आप इस तरह से भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, वॉइसिंग किस तरह होती है, जिसको वीडियो चाहिए हो मैं वीडियो बना लूँगा। ठीक है, तो सिंपल सी आप इसमें सेवंथ नाइन्थ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से सेवन इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज आती है बेस नोट वॉइसिंग के लिए। इस तरह से जो बेस नोट है उसको आप नीचे ले जाके, नीचे वाले ए पे लेके बेस नोट ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप और नीचे ले जाके और भी बेस नोट ज़्यादा सी, जो हार्ड वाली वाइब है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, डार्क वाली। ए सबको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट आर, तो यहाँ पे आपने पैटर्न में नहीं जाना, लेवल्स पे जाना, और यहाँ से इसकी वेलोसिटी के साथ खेल लेना, बाइपोलर जो है उसको ऑफ करके थोड़ा सा। इस तरह आप इसके साथ खेल के वेलोसिटी के साथ भी खेल सकते हो। ठीक है, सिंपल हमारी कॉर्ड बन गई है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है जो एक जो लेयरिंग, लेयरिंग आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये पियानो किया, इसको यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट पियानो में ले रखा है फ्लैक्स,
का पियानो ले रखा है। इसमें पियानो प्रीसेट बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट करके लेयरिंग कर सकते हो। काफ़ी जो ये मतलब पॉप सॉन्ग होते हैं ना, मैं काफ़ी मतलब प्यार वाले सॉन्ग होते हैं, जो फील वाले सॉन्ग होते हैं, उसमें काफ़ी लेयरिंग होती है, मतलब सराउंडिंग के साथ थोड़ा ऑटमोस्फेयर डाला होता है, ठीक है। तो लेयर कर सकते हो आप पियानो भी। तो यहाँ पे जाके बहुत सारे प्रीसेट हैं, आप किसी भी तरह के प्रीसेट यूज़ कर सकते हो, या फिर आपका ये बेस वाला ये हाई वाला करके दोनों का जो स्टीरियो सेपरेशन है वो बढ़ा सकते हो वाइड सा साउंड करने के लिए, ठीक है। तो यही आप तीसरी चीज़ आती है पैड्स, जो ऑटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं, एक स्टीरियो वाला फील, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, वहीं मैंने एक पैड ले रखा है, यहीं फ्लैक्स में है, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। फील आना शुरू हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ बेस की आती है, तो बेस आप यहीं से जो बेस नोट है उसको इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो बेस में, ठीक है। तो बेस भी मैंने वही फ्लैक्स लिया है, स्टॉक प्लगइन लिया है। तो इसके नीचे अब हम बनाएंगे ड्रम्स, ठीक है। ड्रम्स के लिए मेन चीज़ होती है सैम्पल पैक, तो आप फाइंड कर सकते हो रैगोटन सैम्पल पैक फ्री, बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास भी एक यहाँ पर पैक पड़ा है, इसी से मैं कुछ बनाऊंगा। तो ड्रम्स में जाएंगे, किक से स्टार्ट करेंगे, किक ढूंढेंगे इसके साथ मैच करती हुई, ऑन करेंगे इसको। पहले इसकी साउंड ना मैं थोड़ी सी कम कम करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा साउंड है इसकी। अब मैच करेंगे किक, तो साउंड सिलेक्शन आपने सुन सुन के चूज करनी है, ठीक है। मैं तो आपको सिखा रहा हूं, आप अपने हिसाब से जो आपकी जैसा आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप बिल्ड कर सकते हो। तो ये वाली ले लेते हैं, तो आप लेयर भी कर सकते हो, लेयर भी कर सकते हो, दो किक लेके आप लेयर कर सकते हो, एक का ट्रांजिएंट आप शॉर्ट कर सकते हो इस तरह, और दूसरे का एज इट इज रख सकते हो, ठीक है। किक का पैटर्न आपको पता किस तरह आता है, 4 एंड 4 स्टेप में, ठीक है, इस तरह का। तो सेकंड क्लैप भी इसी तरह रखेंगे, सॉरी किक भी इस तरह रखेंगे। तो आप एंड में इस तरह से इसका वेरिएशन भी दे सकते हो किक में, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज आती है स्नैर, ठीक है, स्नैर चूज करेंगे। तो आप बहुत सारी स्नैर है यहां पे, कुछ भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से तो इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। लेयर कर सकते हो स्नैर ताकि हैवी सा पंच आए, क्योंकि इसमें भी वही जैसे मैंने आपको बताया एफ्रो वाला बीट है, जो उसमें थोड़ा सा लेयरिंग ज़्यादा होती है परकशन वगैरह की, ठीक है। चलो ये तो इसमें जो अपनी जो स्नेयर आती है वो आती है ऑफ बीट में, ठीक है। तो किस तरह आती है, जैसे मैंने आपको बताया था एफ्रो बीट में किस तरह आता है, एक फिर दो छोड़ के तीसरे पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले पे नहीं आएगी, तीन छोड़ के चौथे पे, फिर दो छोड़ के, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो जितने आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो वही सेम यहां पे भी ऐसे करना है दोनों जगह पे, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आपने अपनी स्नेयर को रखना है ऑफ बीट में, ठीक है। जैसा भी आपके पास स्नेयर है उस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। देखा होगा आपने, सुना होगा, तू मान मेरी जान यार, तू आके देख ले, सेम ही है, बस टेम्पो का थोड़ा डिफरेंस है, सेम ही है, ठीक है। इस तरह से अपनी बेसिक बन गई है। तो नेक्स्ट चीज आती है प्रकर्शन, प्रकर्शन भी आप इस तरह से स्नेयर की जगह प्रकर्शन भी यूज कर सकते हो इस तरह का।
लेयर करके, ठीक है, इस तरह से अपने हिसाब से आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जब स्नेयर नहीं रखनी आप प्रकर्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा जो स्विंग वाला है इसको आप यहां पर 10 या 12% रख सकते हो, थोड़ा सा ग्रुप देने के लिए। तो बाकी नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें जो आपकी स्नेयर भी होगी, या एफएक्स, एफएक्स को आप, मैं अरेंजमेंट बताऊंगा जिस तरह करनी है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर चीज़ आती है प्रकशन में जो आपकी जो ये हाई हैट है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फिल इच टू स्टेप में, ठीक है, इस तरह की। बेसिक किस तरह का रैगेटोन, इसको बंद करता हूँ मैं, जो अपने ड्रम है किस तरह ग्रूव कर रहे हैं, ठीक है, ये सुनते पहले। इस तरह से आपने बना दिया, ठीक है, इस तरह से आप लेयर करके इसका जो आपका टेस्ट है वो लोगों को सुना सकते हो, ठीक है। तो मैं तो बेसिक बता रहा हूँ आपको किस तरह से, ठीक है। चलो मान लो आपके पास बन चुका है, ये सारी चीज़ें बन चुकी है, तो नेक्स्ट चीज़ आती है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस तरह करेंगे इसकी, वैसे जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ जाना है, सारा कुछ बनाया उसको कर देना स्प्लिट बाय चैनल। तो आपको पता है इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो आप, 4 बार का आपका इंट्रो है या फिर 8 बार का, तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले चलो मान लो पियानो, पियानो से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, साउंड बढ़ाते थोड़ी। तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो आगे इसको, ठीक है, ये पियानो से इंट्रोड्यूस किया आपने, ठीक है, मेट्रोनोम ऑन। फिर इसके साथ जो स्नेयर है वो यहाँ 4 बार के बाद, पहले वेरिएशन यहाँ तक बिल्कुल सिंपल रखा, उसके बाद स्टार्ट किया आपका ये जो हाफ स्टेप में स्नेयर रखी थी ना उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हेड का आप बाद में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इस तरह आप 4 बार रखा तो यहाँ पे गैप दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एफएक्स है जो एफएक्स का यूज करेंगे, ठीक है, रिवर्स भी आप एफएक्स यूज कर सकते हो, बहुत सारे एफएक्स आपको मिल जाते, कहीं से भी आप यूज कर सकते हो एफएक्स। तो यहाँ पे गैप देके यहाँ पर एफएक्स भी यूज कर सकते हो, या फिर फिल्स भी यूज कर सकते हो, ये इस तरह का देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसका यूज भी आप कर सकते हो। इस तरह से तो जैसे ही आपने यहाँ पर पियानो इंट्रोड्यूस किया 4 बार में, फिर धीरे धीरे जो आपकी और एलिमेंट है उसको आप यूज करोगे, जैसे स्टार्टिंग में होता है इंट्रो, ठीक है, इस तरह से, फिर धीरे धीरे एक एक चीज ऐड करोगे कि हाँ आपका आ रहा है वर्स। देख सकता नहीं, यहाँ पे ये भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ जैसे भी आपका वर्स आ रहा है वहाँ पे आप स्टार्टिंग में, आप बिल्कुल देखो आप एक साउंड थी पतली सी साउंड, मतलब मोनो साउंड एक, धीरे धीरे जैसे इंट्रोड्यूस करोगे तो आगे बहुत सारा स्टीरियो सेपरेशन आप दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप बेस भी अपना इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। एंड में गैप देके, जैसे मैंने बोला आपको इस तरह का इतना गैप देके ये वाला इंट्रोड्यूस करके, और यहाँ से एफएक्स का यूज करके, कोई भी एफएक्स, इस तरह से इसको रिवर्स कर सकते हो आप, और यहाँ से चॉप करके, हल्का सा चॉप करके,
इस तरह इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ भी इस बेस का आप यूज़ यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे किक है आपकी, किक है, सारे एलिमेंट यहाँ लाए, तो धीरे धीरे आप किक से भी शुरुआत कर सकते हो जो भी आपके पास एलिमेंट है, ठीक है। किक से शुरू किया यहाँ पे इस तरह से, यहाँ भी आप किक भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर किक का ब्रेक दे सकते हो, या फिर ये चार बार जैसे यहाँ पर आपने खाली छोड़ा, यहाँ आप किक भी ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से। या किक हटा दी, सिंपल रख लिया एक प्री कोरस, ठीक है। उसके बाद रख लिया आगे ड्रॉप, ड्रॉप में आपको पता है सारी चीज़ आती है, ठीक है, इस तरह से। ड्रॉप में आपने सारी चीज़ें रखनी है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर किक वगैरह जो अपनी है वो सारी चीज़ें आ जाएगी, जो यहाँ पे जो किक है वो भी यहाँ पे आ जाएगी अपनी, ठीक है। तो इस तरह आप ये रैगेटोन वाला बीट बना सकते हो, ठीक है। एक बार पूरी बीट सुनते हैं। बाकी आप मिक्सिंग मास्टरिंग इसकी कर सकते हैं यहाँ से, लेवलिंग वगैरह जो साउंड है वो तो बाद की बात है। तो मैंने बेसिक बताना था आपको। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, कमेंट डाउन कर दो किस तरह की वीडियो लगी है, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता दो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।